एक बार फिर से मोदी सरकार होगा। कोई नहीं, कोई नेता काम नहीं करता है, अपना ये तमेला लेके वो घर घुस गया बस। बाकी नेता सब भी सोचता है कि वोट ले लेता है, गोल हो जाता है। नेता सब को भी सोचना चाहिए कि पब्लिक के लिए कुछ करे। तो प्रदीप भैया को वोट देना है, खुल छापे। नमस्कार, मैं अरविंद झा और आप देख रहे हैं R24 न्यूज। देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है और उसी सिलसिले में हम अररिया लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम के लोगों से पूछ रहे हैं कि किस मुद्दे पे वे वोट कर रहे हैं। तो अभी हम अररिया के रजोखर में हैं और यहाँ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे वे वोट कर रहे हैं। तो आइए सीधे जनता से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। कवरेज हुआ, कवरेज अंकल, क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दा आप लोगों का चुनाव में? चुनाव में आरजेडी के साथ समर्थन है हम लोग। शहनवाज आलम को जिताइएगा? जिताएंगे। शहनवाज आलम को जिताइएगा तो लग रहा है कि इस बार काम करेंगे वो? काम जब उसका पापे का वक्त से नहीं हुआ तो अभी क्या होगा, काम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे वो। तो काम नहीं करेंगे तो वोट कीजिएगा? वो क्या होगा नहीं होगा उसका मुकद्दर जाने, लेकिन आरजेडी को वोट कीजिएगा? वोट करेंगे उसको। तो आप लोगों का स्थानीय मुद्दा क्या है? वोट शहनवाज आलम जीत के आए तो हमारे हम लोगों के लिए ऐसा काम करे कुछ? तो जीत करके भी काम नहीं करेगा ऐसा यकीन है? ऐसा यकीन है कि क्योंकि इतना उम्र हो गया, आज तक काम करते हुए नहीं देखा। तो कौन काम करेगा? कोई नहीं करेगा काम, कोई नहीं, कोई काम नहीं करेगा। तेजस्वी यादव काम करेगा? ए नौवा करेगा काम हमारा। कोई नहीं, कोई नेता काम नहीं करता है, अपना ये तमेला लेके वो घर घुस गया। नेता सब जनता को मूर्ख बनाता है, बस मुंह छिपा के रखता है वो, और आता ही नहीं है। ये कोई नया बड़ा बड़ा आदमी से भेंट कर लिया, चढ़ा गया। तो नोटा में क्यों नहीं वोट कर देते हैं? है? तो नोटा में वोट क्यों नहीं कर देते हैं जब नेता काम नहीं करता है? अब पूरा गांव का लोग उसको देगा तो हम भी देंगे उसी को, चाहे काम करे या ना करे, चाहे तुम्हारा मुकद्दर जीते या ना जीते। तो जनता का क्या मुद्दा है ये देखिए, यहाँ पे लेटरिन पेशाब खाना होना चाहिए। उसी रोज कहे थे शहनवाज आलम को कि यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं, जिताइए तब करा कर देंगे, कब एक बार जिताएंगे तभी तो पता चलेगा काम करते हैं कि नहीं। घर में बार बार नेता बना तो तस्लीमुद्दीन साहब काम नहीं किए थे? कोई काम नहीं, उनका तो बहुत नाम था। कहाँ है कोई काम, दिखाइएगा ना कोई। लोग तो बोलते हैं कि तस्लीमुद्दीन साहब बहुत काम, फिर क्यों हार जाते हैं बार बार, काम तो इतना किए। सरवर भाई, क्या मुद्दा है जनता का इस बार लोकसभा में? विकास का मुद्दा है, जो विकास करेगा उसी को वोट कीजिएगा। जी हाँ। तो क्या लग रहा है कौन विकास करेंगे? एक तरफ से बीजेपी से प्रदीप सिंह है, आरजेडी से शहनवाज आलम है, लगता तो है कि तेजस्वी साहब करने वाले हैं काम। राजद? हाँ। अच्छा विकास करेगा? हाँ लगता तो है। तो आप लोगों का पर्सनल मुद्दा क्या है? विकास है, विकास, रोजगार होना चाहिए। हाँ। रोड होना चाहिए। हाँ। स्वास्थ्य उत्तम व्यवस्था होना चाहिए। हाँ स्वास्थ्य भी ज्यादा जरूरी, स्वास्थ्य का इसी पे वोट कीजिएगा। हाँ विकास ही एक मुद्दा है आप लोगों, बस यही मुद्दा है, विकास वाला मुद्दा। और कुछ बोलना चाहेंगे? ना हम लोग भी चाहते हैं कि जो काम अच्छा करे उसी को निकालेंगे बस। बाकी नेता सब भी सोचता है कि वोट ले लेता गोल हो जाता है। नेता सब को भी सोचना चाहिए कि पब्लिक के लिए कुछ करे, लेकिन नेता सब ध्यान नहीं देता तो पब्लिक भी क्या करेगा, लास्ट में इधर उधर हो जाता है। तो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात जो कर रहा है राहुल गांधी भी, मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उसी को हम लोग चुनना चाहते हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? जी। जो नेता काम करेगा उसी को वोट देना? हाँ हाँ, विकास पे काम होगा, विकास पे काम होगा, भाई साहब का कहना है। क्या नाम हुआ? इरशाद आलम। क्या लग रहा है आपको, माइक मत पकड़िए, क्या लग रहा है आपको? वोट है प्रदीप भैया को वोट देना है, फुल छापे, फुल छापे। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा है बीजेपी का? नहीं नहीं, बीजेपी को देना है तो क्यों देना है? देना है, वो अभी ट्रेनिंग किया हुआ है, जो शहनवाज के भाई के देंगे तो उसको 10 साल समझने में काम लग जाएगा। मतलब बीजेपी को इसीलिए वोट करना है कि उनको अभी सरकार चलाने आता है, प्रदीप सिंह को सरकार चलाने आता है, शहनवाज अभी नया है, 10 साल लग जाएगा समझने में, काम 10 साल समझने में लग जाएगा, लग जाएगा, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, हमें वक्त ऐसे खत्म हो जाएगा। यही आपका मुद्दा है? यही मुद्दा है। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव है, 7 तारीख को मतदान देना है अररिया लोकसभा में, एक तरफ से बीजेपी के कैंडिडेट प्रदीप सिंह है, दूसरी तरफ आरजेडी से शहनवाज आलम है। शहनवाज आलम विधायक भी है अभी जोकीहाट में, मंत्री भी रहे हैं, इधर प्रदीप सिंह को भी आपने देखा है 5 साल में कामकाज, तो क्या लग रहा है इस बार किसको वोट कीजिएगा? इस बार तो शहनवाज का ही होगा।
शहनवाज आलम को जिताइएगा, शहनवाज आलम जीत के आएंगे तो अच्छा काम करेंगे, ऐसा यकीन है आपको? हाँ इंशाल्लाह अच्छा ही काम करेगा। अच्छा काम करेगा, तो आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा शहनवाज आलम से, क्या इस बार मांग कीजिएगा कि वो वोट मांगने आएंगे तो क्या बोलिएगा? वो अपना क्षेत्र में विकास करे, यही मांग रहेगा, और क्या रहेगा? विकास करे। हाँ विकास नहीं हुआ अभी? नहीं विकास कहाँ हुआ, विकास तो जैसे था वैसे ही पड़ा हुआ, प्रदीप इधर तो देखने भी नहीं, झांकने भी नहीं आता। प्रदीप सिंह जो जीत के गया झांकने नहीं आया? नहीं कभी नहीं आया, काम नहीं किया है? कोई काम नहीं किया। वो शहनवाज आलम विधायक है, मंत्री भी रहे हैं, तो अभी आकलन किए होंगे कि वो विधायक रहते हुए वहाँ पे कैसा काम किया है? उधर अपने तरफ तो वो किया होगा क्षेत्र में, इधर तो मेरा क्षेत्र पड़ता नहीं, वो अभी करेगा। अब जब लोकसभा चुनाव जीत के आएगा तो यहाँ करेगा ही, लोकसभा जीत के आएगा तो काम करेगा। काम करेगा। और कुछ कहना चाहेंगे? बस युवा का यही कहना है कि कांग्रेस सरकार आए, ये महंगाई बहुत बढ़ा हुआ है, अभी बीजेपी सरकार में महंगाई कम हो, और क्या चाहेंगे? रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए, पब्लिक का सुरक्षा चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? हाँ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। युवक है, युवा है, युवाओं के अपने मुद्दे होते हैं, रजोखर में है हम, और इस युवा से पूछते हैं कि चुनाव में इसका क्या मुद्दा है, वोटर हो कि नहीं? वोटर हो। कब से वोट डाल रहे हो? इस्लामाबाद से डालना है। क्या नाम हुआ? साहिद खान। तो क्या है तुम लोगों का मुद्दा, क्या है मुद्दा? रोजगार है, शिक्षा है। रोजगार नहीं मिल रहा स्टूडेंट को? नहीं मिल रहा है। तो क्या कहना चाहोगे? फिर से मोदी को ही जिताएंगे, क्योंकि मोदी अच्छा काम करता है। मोदी अच्छा काम करता है? अच्छा काम करता है। यहाँ तो सब बोल रहा है मोदी अच्छा काम नहीं करता है। एक आदमी से बोलने से क्या होगा, मतलब यही लोग के बोलने से क्या होगा? आप देखिए मोदी को वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर भी मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा जो वोट नहीं मिलेगा तो? मोदी जीतेगा। कैसे जीतेगा? हर बार जीतेगा। देखिए एमवीएम का बेमानी होगा, जो भी होगा मोदी जीतेगा। जो भी बोल रहे हो खुल के बोलो, मोदी जीतेगा। अररिया का क्या होगा? अररिया से भी जीतेगा, प्रदीप सिंह जीतेगा। प्रदीप सिंह जीतेगा? प्रदीप सिंह जीतेगा। तुमको ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है। कैसे जीतेगा? जीतेगा क्योंकि ये पूरा पार्टी जो मुस्लिम है, मुस्लिम है ना, मुस्लिम बोलेंगे मतलब सरफराज को देंगे, और बाद बाकी जो है सरफराज नहीं शहनवाज, शहनवाज और जैसे जितना हिंदू भाई है वो तो प्रदीप सिंह को ही देंगे। तो हिंदू मोदी, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है? मुद्दा है एकदम। तुमको लगता है ऐसा? बिल्कुल लगता है, यही हिंदू वोट नहीं करते हैं सरफराज को? नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेंगे, वो तो प्रदीप सिंह को ही करेंगे। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मोदी का, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मोदी का मेन मुद्दा तो यही है। सरफराज आलम भी तो यहाँ से जीते थे? जीते थे, इस बार नहीं। तो हिंदू वोट नहीं क्या होगा? नहीं किए उसके। तो कैसे जीत गए वो? इलेक्शन में पैसा किसको देता है कि पैसा मिलेगा? अरे पार्टी, पार्टी क्यों नहीं पलटेगा? मोदी पलटता, देख एक बार सुनिए, जनता पलटता है, पलटेगा क्यों नहीं? पलटेगा नहीं, एक बार फिर से मोदी सरकार होगा, एक बार फिर से मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार होगा। जोर से उखाड़ के फेंक दिया जाए, देख लीजिएगा पूरे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है भाई, अपनी अपनी बात रखने का सबको हक है। इनके हिसाब से जो था ये बोले, अब इनको बोलने दो ना, सबको बोलने दो। क्या नाम हुआ? बबलू। बबलू जी, बबलू जी क्या लग रहा है इस बार क्या होगा अपने लोकसभा अररिया में? महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगाई है, पूरा जनता तंग हो चुका है, पूरे जहाँ तक ये इंडिया का पूरा जनता तंग हो चुका है। मोदी नहीं जीत पाएगा, कांग्रेस की सरकार आएगी, राहुल गांधी की, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री। महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, गरीब किसान मजदूर कमाता है 200-400 रुपए, 100 रुपए 200 रुपए का सब्जी लाता है, चावल लाता है, बस खत्म हो जाता है। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी कर कितना मिल जाता है पर डे? पर डे 200-250 रुपया मजदूरी होता है, उसमें घर चल जाता है, घर चल जाता है उसमें, बचत भी कुछ नहीं है, खर्चा हो जाता है सारा, बचत नहीं हो पाता, कुछ बचत नहीं है। लग रहा है कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, इसीलिए सरकार को बदलनी है, बदलनी है एकदम बदलनी है। और अपना अररिया में क्या होगा? अररिया में वही सलमान हसन, शहनवाज आलम को जिताएंगे, आरजेडी को जिताएंगे, आरजेडी को। शहनवाज आलम से लग रहा है उम्मीद कि आएंगे तो काम करेंगे? काम करेंगे। प्रदीप सिंह से खुश नहीं है? प्रदीप सिंह को तो नहीं है देंगे वोट, प्रदीप सिंह को नहीं देंगे, नहीं देंगे। शहनवाज आलम, शहनवाज आलम, शहनवाज आलम को जिताएंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। लोकसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।